विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा डॉस के बारे में, DOS लिखा रहता है, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अभी अपन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिससे अपन को इसमें काम करना आसान होता है। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप कौन सा मोबाइल खरीदते हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसका कैमरा अच्छा हो, उसमें स्टोरेज अच्छा हो, उसको आपको चलाने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरह से अपन ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करते हैं जिसमें अच्छी अपन को उसमें सुविधाएं मिले। ठीक है, तो इसी तरह से अपन आप देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहले तो विशेषताएं हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं, फिर अपन इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। Windows 8.1 में, इसके पहले जो विंडो थी, विंडोज, विंडो XP और भी पहले जो विंडो आती थी उनमें क्या था, थोड़ी वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी होगी कि पहले कंप्यूटर कैसे बना, फिर उसका कैसे विकास हुआ, कुछ उसमें नई चीजें ऐड कर दी गई और एक नया कंप्यूटर बना दिया गया, फिर उसमें नई चीजें ऐड कर दी गई। कंप्यूटर बहुत बड़ा था, धीरे धीरे छोटा होता गया, उसमें कुछ नई नई चीजें ऐड करती गई। ठीक है, इसी तरह से विंडो भी 8.1 क्या है, नया वर्जन है। इसके पहले भी कई वर्जन है जिनमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करके एक नई चीज बनाई गई जिसको अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे कि विंडो 8 नाम दे दिया है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषता है, क्लियर टाइप। इसके पहले की जो विंडोज थी उनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा धुंधला दिखता था। इसमें और भी जो क्लियर टाइप, कोई कुछ भी आप लिखते हैं या टाइप करते हैं, इस पे कुछ देखते हैं, और भी क्लियरली आप उसको देख सकते हैं इसके पहले के जो वर्जन थे उनके मुकाबले। ठीक है, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टार्ट मेन्यू। आपने देखा होगा विंडो 10, विंडो 7 और पुरानी जो विंडोज है उनके आपने स्टार्ट मेन्यू देखे होंगे। हर एक विंडो का स्टार्ट मेन्यू अलग रहता है। आप विंडो 8 का स्टार्ट मेन्यू देखेंगे, ये इस तरह से रहता है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का एक मोबाइल आता है, आप इसको मोबाइल में भी चला सकते हैं। विंडो 8 को मेनली तो क्या है, ये मोबाइल के लिए ही बनाई गई थी। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि आजकल कंप्यूटर का काम भी लगभग कुछ काम ऐसे होते हैं मोबाइल पर ही होने लगे। पहले कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं कर पाता था, लेकिन अब क्या होने लगा है, कंप्यूटर कंप्यूटर का कुछ काम मोबाइल से भी कर लेते हैं कुछ लोग। तो इन्होंने क्या सोचा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कि अपन ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जो मोबाइल पर भी अपन चला सके, क्योंकि हर जगह विंडो चलती है। तो ये लोग चाह रहे थे कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बने जो मोबाइल पर भी चल सके। तो विंडो 8.1 मेनली मोबाइल के लिए बनाई गई है। आप अपने अभी नॉर्मली अपन मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी आप इस तरह से ऊपर करते हो, लेकिन जब वो वाला मोबाइल आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का ही है वो मोबाइल, अब शायद नहीं आता होगा, इस तरह से ऊपर करते हो तो इस तरह से स्टार्ट मेन्यू आता है। स्टार्ट मेन्यू में आप देखते हैं अपन क्या सॉफ्टवेयर रख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पर इसी तरह से आप अपने मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, और जो आप ज्यादा यूज करते हैं वो आपको कहाँ पर, ऊपर ही दिखते हैं। और बाकी अदर विंडोज का आप स्टार्ट मेन्यू देखेंगे तो थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक अलग नए टाइप का स्टार्ट मेन्यू जोड़ा गया जो इसकी विशेषता है। फिर इसके बाद इसमें दिया दिया है डेस्कटॉप स्मार्ट सर्च। इसमें क्या है, यहाँ पर स्मार्ट सर्च दिया गया है। ठीक है, सभी में दिया है, विंडो 10 में नीचे दिया है, लेकिन इसके पहले जो विंडो आई थी, विंडो 10 तो न्यू वर्जन है, 8 के बाद आया, इसके पहले जो था उसमें नहीं था स्मार्ट सर्च का। तो यहाँ पर ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मार्ट सर्च। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में है, और अगर नहीं है तो वो ऑनलाइन सर्च करके देता है, लेकिन कुछ ना कुछ सर्च करके जरूर देता है, स्मार्ट सर्च अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एवरी एवरीवेयर। इसके इसके साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना है, आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने आ रहा है सेटिंग्स, फाइल्स, वेब इमेजेस, वेब वीडियोस। ठीक है, अभी आपने क्या सिलेक्ट करके रखा है, एवरीवेयर। जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो हर एक चीज को वो सर्च करके देता है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ सेटिंग्स ओनली सर्च करनी है। मतलब कोई ऐसा ऐसी चीज है जो सेटिंग्स में है, सिर्फ ओनली सेटिंग्स में सिलेक्ट करनी है तो आप सेटिंग्स सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी आप सर्च करते होंगे कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है तो, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, सर्च नहीं हो रहा, तो यहाँ से कोई आपने अदर ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है। आप अगर यहाँ से एवरीवेयर सिलेक्ट कर देंगे तो आपके सिस्टम में जो भी है आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, और आपका अगर ऑनलाइन है मतलब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो वो ऑनलाइन भी सर्च करके देता है डायरेक्टली यहीं से।
ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मार्ट सर्च की सुविधा दी जोड़ दी गई है। इसके बाद है अगला ऑटो प्ले। ऑटो प्ले मतलब जब आप अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव या कार्ड या अगर कोई डिवाइस लगाते हैं तो आप देखते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, और जैसे ही आप कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है डायरेक्टली, वो मतलब वो ऑटोमेटिक चलने लगता है। कोई भी चीज आप इसमें प्लग करते हो आपके कंप्यूटर में, रिमूवेबल कोई डिवाइस लगाते हो तो वो ऑटोमेटिक क्या रहता है, चलने लगता है। तो ये सुविधा विंडो 1.1 में जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद है विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल क्या है, विंडोज आप से सभी लोग बोलते हैं जब भी आप लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं तो आपको एंटीवायरस डाउनलोड करवा मतलब एंटीवायरस इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट से कोई फाइलें डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप किसी और की पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस इंस्टॉल करवाना पड़ता है। लेकिन इसमें विंडो 8.1 में ये सुविधा जोड़ी गई है विंडोज फायरवॉल की। विंडोज फायरवॉल क्या करता है, आपने देखा होगा क्लास लेते टाइम यहाँ पर एक ब्लू कलर का कुछ आता है, विंडोज फायरवॉल लिखा हुआ आता है उसको। वो क्या करता है, अगर उसको लगता है कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आया है तो वो क्या करता है, तुरंत उसको हटा देता है। जहां तक है लगभग लगभग 90% वायरस हटा देता है। फिर भी अगर 10% रह जाते हैं तो उसके लिए अपन को इंस्टॉल करना पड़ता है ये एंटीवायरस। लेकिन विंडो 8 में ये सुविधा है कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस आपने नहीं डलवाया है तब भी वो वायरस को रिमूव करता है। वायरस समझते हैं सब क्या होता है, वायरस एक तरह का वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, जो कुछ आप फाइलें डाउनलोड करते हैं, कोई इमेजेस डाउनलोड करते हैं, कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं उनके साथ डाउनलोड हो जाता है। और दूसरा तरीका, अगर आपने अपने कंप्यूटर में कभी इंटरनेट नहीं चलाया और कभी आपने कोई अदर डिवाइस जैसे कि कोई पेन ड्राइव या कुछ नहीं लगाया, मतलब ऐसी पेन ड्राइव नहीं लगाई जो किसी और सिस्टम में लगी थी उसमें से निकाल के आपने अपने में लगाई, तो कभी वायरस नहीं आएंगे। वायरस कब आते हैं, जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तब आते हैं। इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट से आप कोई डाउन कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वायरस उनके साथ आ जाते हैं। और दूसरा, ऐसे आप किसी अदर कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव लगाई, वही पेन ड्राइव आपने आपके कंप्यूटर में लगा दी, उस कंप्यूटर में वायरस थे, वो ही वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वायरस आ जाते हैं। तो ये विंडोज फायरवॉल क्या करता है, उसको भी रिमूव कर देता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर। इसमें जब भी आप विंडो 8.1 इंस्टॉल करेंगे, विंडो 8 इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ आता है विंडोज फायरवॉल। क्या करता है ये, वायरस को खत्म कर। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रोटेक्शंस और फाइल्स, वही है। इसमें जो भी आप फाइल्स रहती हैं उनको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी यहाँ पर इसमें क्या किया गया है विंडो 8.1 में, इसके पहले की जो विंडो आई थी मतलब इसके पहले के जो वर्जन आए थे विंडो 7, विंडो XP और भी वर्जन थे, उनको क्या किया, उन सभी की विशेषताओं को इसमें ऐड किया गया है। सभी में जो भी अच्छी चीजें थी पहले पहले वाली जो विंडो थी, ऐसा नहीं है कि पहले हम जो विंडो काम करते थे वो ज्यादा अच्छी थी, इस पे काम करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है। उसमें जो विशेषताएं थी वो तो ली ही गई है, साथ में कुछ नई विशेषताएं भी इसमें ऐड की गई है। ठीक है, और तो ये सब मीडिया फीचर्स। इसमें अगला जो है वो है मीडिया फीचर्स। इसमें मीडिया प्लेयर, जैसे कि आप कोई कोई भी PDF डाउनलोड करते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं आप अपने मोबाइल में या किसी में भी, तो आपको अलग से PDF रीडर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर में है, इसमें विंडो 8.1 के साथ अगर आप कोई वीडियो चला रहे हो तो वीडियो के लिए भी, वीडियो चलाने के लिए अपन को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वीडियो इसके अलावा फोटो के लिए भी, सभी के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें पहले से ही ये सुविधा दी गई है, मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, विंडोज मीडिया सेंटर, ये सभी इसमें पहले से ही मिलते हैं आपको। ठीक है, ये आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करवाने पड़ते, PDF रीडर वगैरह ये सभी। ठीक है, तो ये होती है विंडो 8.1 की विशेषता। अब बताइए, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था हमने आपको, क्लियर टाइप। इसमें अगर जैसे कि आप यहाँ पर देख राइट क्लिक करते हैं, सभी को पता होगा खाली जगह में हम राइट क्लिक करते हैं पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर
साउंड वगैरह और स्क्रीन सेवर वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको